बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना। क्या हाल है आपका? आज मैं बनाने जा रही हूँ जुशांदे की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। जुशांदा जो है हफ्ते में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश और सांस की जो बीमारी है उसमें राहत देता है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में पानी ऐड करेंगे, 4 से 5 कप, और इसे पकने के लिए रख देंगे। चलें, बनाने से पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बता दूं। सबसे पहले हमने ऐड करनी है मुलट्ठी का एक टुकड़ा, 1 चम्मच सौंफ, साथ ही मैंने लिया है अनाब 3 दाने, गुलेबनक्शा ये लिया है, ये भी हमारी सीने की जकड़न, बलगम, रेशा, सर दर्द इसके लिए राहत देता है। साथ ही मैंने लिए 1/2 टीस्पून से भी कम चंद पत्ते सनामक्की के लिए हैं, और इसके साथ लिए है मैंने लसूड़ी। ये सब चीज़ें पंसारी से मिल जाती हैं। ये 4 दाने मैंने लसूड़ी के लिए हैं, और ये लिया है मैंने गाऊ ज़ुबान। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप इसकी जगह पर ये दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर सकते हैं। चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। जी बस 4 से 5 कप मैंने पानी के ऐड किए हैं, पानी हमारा आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है। अब हम इस पानी में ऐड करेंगे ये तमाम गुले बनक्शा ऐड कर देंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, चंद दाने सना मक्की के और ये 3 दाने अनाब के ये ऐड करेंगे, ठीक है। साथ ही मैं इसमें गाऊ ज़ुबान और लसूड़ी ये नहीं ऐड करी, क्योंकि आपको अगर ना मिले तो फिर आप कहेंगे कि हमें तो ये बताया ही नहीं है कि इसके बदले में हम क्या ऐड करें। तो मैंने कहा है क्यों ना आपके लिए ये दोनों चीज़ें स्किप करके, हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आपको ना मिले तो आप इसको दालचीनी के एक टुकड़े को ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया, मलट्ठी का एक टुकड़ा लेंगे ये ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ। सौंफ अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, ये हमारे मैदे की बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करती है, मुंह की बदबू को ख़त्म करती है, मैदे को तकवीत देती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, गुर्दे की पत्थरी, तजाबियत और कैंसर से हमें बचाती है सौंफ। इसी तरह जो मैंने बनक्शा ऐड किया है, ये हमारे सांस की जकड़न और हमारे फेफड़ों की कमज़ोरी, अगर हमें चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए ऐसी सूरत में ये बेहद मफीद है। इसके अलावा ये सर दर्द, बुखार और गले की ख़राबी के लिए ये बेहद मफीद है, हमारे गले को नरम और मुलायम करता है। इसी तरह जो मैंने 3 अनाब ऐड किए हैं, ये सीने, आंतों और मैदे में मुलायमियत पैदा करता है। अनाब सीने और हलक की खराश को ख़त्म करता है, फेफड़ों को ताकत देता है, और इसी तरह ये गुर्दे, जिगर और तिली के लिए बेहद मफीद है, और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी को दूर करता है, अनाब खून को साफ़ करता है। इसी तरह मुलट्ठी खांसी, तजाबियत, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, अल्सर, बलगम और कब्ज़ को ख़त्म करती है, एलर्जी और जिगर की गर्मी को दूर करती है। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं मुलट्ठी के, जो मैंने एक बड़ा टुकड़ा ऐड किया था। ये जो जुशांदा बना रहे हैं ये बेहद मफीद हैं, अगर आप इसमें चाहें तो 1 अदद या 2 अदद इलायची भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये अपने तौर पर एक पूरा जुशांदा है। इसी तरह जो हमने इसमें ऐड की है दालचीनी, दालचीनी हमारे मैदे, हिचकी, सर दर्द, आधे सर का दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दमा, सांस की बीमारी में एक एंटीबायोटिक का काम करता है। तो इनमें तमाम चीज़ें हमारे गले के लिए, हमारे गले की खराश के लिए और हमारे सीने की जकड़न के लिए बेहद मफीद हैं। तमाम चीज़ें पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाती हैं। जी व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको दम दे देंगे, यानी कि इसके जितने भी फ्लेवर हैं वो इसके पानी के अंदर अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाएं। तो मैं अभी आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शहद, अगर आप चाहें तो आप इसको एज इट इज़ ले सकते हैं, क्योंकि शुगर पेशेंट वाले इसको विदाउट शहद लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे शहद, ये देखें ये ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे।
मेरी दुआ है आपको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हर किस्म की बीमारी से अल्लाह पाक आपको महफूज रखे। हमारा कहवा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।